प्रिंसिपल ऑफ सिस्मेटिक्स मॉड्यूल टू हंड्रेड एम्स एंड एन एम्स बेसिकली ये जो दोनों ग्रुप हैं एम्स और एन एम्स ये वर्टिट के ग्रुप हैं अब अगर हम एम्स की बात करें तो बेसिकली एम्स ये एडवांस वर्टिप्रेट है जिसके अंदर रेप्टाइल्स शामिल हैं इसके अंदर बर्ड्स शामिल हैं और इनके अंदर मैमल्स भी शामिल है जबकि हम एन एम्स की बात करें तो एन एम्स ये लो वर्टिब्रेट्स हैं या इनको लोअर वर्टिब्रेट्स हम कहते हैं इनके अंदर और फिश है। अब ये जो डिवीजन है ये किस बेस के ऊपर की गई है ये जो डिवीजन है ये प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेमब्रेन की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस के ऊपर की गई है एक्चुअली जो वर्टिब्रेट्स हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर दो ग्रुप्स हैं एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मौजूद हैं और एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्रेन मौजूद नहीं है अब वो ग्रुप जिसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैमबरेन मौजूद हैं उनको हम एम्स कहते हैं और जिनके अंदर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्रेन मौजूद नहीं है उनको हम एन एम्स कहते हैं बेसिकली अगर हम इस स्लाइड के अंदर देखें तो ये ये जो एम्स और एन एमस का जो नाम है वो इस जो मेम्ब्रेन है बेसिकली जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है मदर की बॉडी के अंदर जो फीटस होता है उसकी बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनती है ये जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है इसको एमनियन कहते हैं इसके साथ साथ एक और मेम्ब्रेन एलंटॉइस है और एक तो ये बेसिकली तीन मेमब्रेन है और कोरियस तो यहां पे ये एम्ब्रियो है और इसके ग ये तीन मेम्ब्रेन ये जो तीन मेम्ब्रेन है इनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन कहते हैं इनका काम जो फिटस है जो बेबी है उसको प्रोटेक्ट करना उसको फूड सप्लाई करना उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करना है इसी तरीके से ये जो मेम्ब्रेन है और जो बेबी है इसके दरम्यान में एक फ्रूट मौजूद होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं तो बेसिकली ये जो कैटेगरी है ये एमनियन कोरियन और एलनटॉयस की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस के ऊपर मौजूद है ऐसे एनिमल्स वर्टिब्रेट के जिनके अंदर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रोन्स मौजूद हैं एमनियन मौजूद है इनको हम एन एमनियोट्स एमनियोट्स कहेंगे और जिनके अंदर ये मौजूद नहीं होगी उनको एन एमनियोट्स कहेंगे अब जो एम्स हैं एन एम्स आर एन इनफॉर्मल ग्रुप कम्प्राइजिंग द फिश एंड एम्फीबियन जैसा कि हमने कहा कि जो एन एमियोन है ये लोअर वर्टिब्रेट है जिसके अंदर फिश और एम्फीबियन शामिल हैं, ये लोअर वर्टिब्रेट हैं और विच देयर एग्स इन वाटर ये अपने जो एग्स हैं वो पानी के अंदर ले करते हैं जबकि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं जिसके अंदर रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स हैं ये अपने जो एग्स हैं ये टेरिस्ट्रियलमेंट के ऊपर या लैंड के ऊपर ले करते हैं तो जमीन के ऊपर क्योंकि खुश्की है वहां पे एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है इसी वजह से ये जो एनिमल्स हैं इसके जो एग्स हैं उसके गिर्द ये लेयर्स मौजूद होती हैं तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं उनको एमिन कहेंगे और जिनके अंदर ये मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं है उनको हम ए एन एम्स कहेंगे एमिनियोर्स की एग्जाम्पल रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स हैं और एन एम्स की एग्जाम्पल फिश और एम्फीबियंस